वाराणसी जिले में देखा जाए तो 42 डिग्री के पास चल रहा है। ऐसे में बीएचयू के छात्रों ने एक पहल शुरू किया, जो कि हर पेड़ पौधे में उन्होंने घोंसले बनाकर गौरैये के लिए टांगेंगे। लेकिन ये घोंसला का जो पहल उन्होंने शुरू किया, कब से किया, कितने घोंसले बनाने का उन्होंने संकल्प लिया और किस चीज का घोंसला बनाएंगे, तो चलिए हम जानते हैं इन्हीं छात्रों से। हम सभी पिछले 2-3 साल से हमारे सीनियर्स को देख रहे हैं, वो यहाँ पे गमले लगाते हैं, गमलों में पानी भरते हैं। और माली जी ने जो ये बगिया बनाई है, यहाँ फूल तो दिखते हैं पर पक्षी नहीं दिखते हैं। तो हमने देखा कि जो मिट्टी के गमले, हम मिट्टी के बर्तन लगाते थे, वो कोई ना कोई उन्हें उठा के ले जाता था और पक्षी कम हो गए थे। तो हमने सोचा ये एक इको फ्रेंडली मेथड होगा, जिसमें हम नारियल के फूल को रस्सी से बांध के पेड़ों पर लटकाएंगे और उनमें पानी भरेंगे, तो इससे कई सारी चिड़ियों को और पशु पक्षियों को पानी और दाना भी मिलेगा। हम लोग तो पहले इंस्पायर्ड अपने सीनियर से हुए हैं, क्योंकि वो लेगेसी चलाते आ रहे हैं बहुत पहले से, तो उसी मुहिम में हम लोग जुड़े हैं। और मेरा ये आग्रह है अपने सारे भाइयों बहनों से, सारे विद्यार्थियों से, जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनसे है कि ये मुहिम को आगे बढ़ाएं। हम लोग एग्रीकल्चर के 250 बच्चे हैं या 300 बच्चे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, नहीं हर जगह हम लोग पानी भर सकते हैं वहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि मे भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, आप लोग के पास टाइम नहीं है, बट आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप कहीं भी ऐसा मटका देखे लटकते हो तो उसमें पानी फिल कर दे, क्योंकि हम लोग हर जगह अवेलेबल तो नहीं हो पाएंगे कि हर जगह पानी फिल कर पाए। मैम, अभी हमने लगभग 100 के आसपास नारियल के खोल लटकाए हैं और अभी और भी कई दिन हमारे साथ पूरे 36 बच्चे हैं। हम सभी मिलकर के 1000 नारियल लटकाने का हमने संकल्प लिया है और हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि क्योंकि 1000 नारियल लटकने वाले हैं, हम सभी में पानी तो नहीं भर सकते, तो जिसे भी जहाँ भी ये नारियल के खोल दिखे उनमें ज़रूर पानी भरें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।